बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। रिसाइट दुरूद पाक, सेकंड ईयर क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर जो है चल रहा है, फंक्शन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन की टाइप्स हैं, कल लास्ट टाइम हमने अलजेब्रिक फंक्शन की पहली टाइप है उसको डिस्कस किया था, मजीद उसको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन आर दो फंक्शन which are defined by algebraic expression, किसी जिस फंक्शन में कोई algebraic expression आ जाए उसको हम algebraic function कहते हैं। इसके पांच types हैं, उनको हम discuss करते हैं। algebraic function की मजीद पांच types को classified किया गया है, four classifications हैं इसकी। ये पहला टाइप है polynomial function। polynomial function जो है ये कौन से होते हैं? function p of the form p x is equal to a n x to the power n, a n minus one x to the power n minus one, a n minus two x, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है और ऊपर जैसे एक्सपोनेंट है n n minus one n minus two and so on, कम होता होता है ये a n x की पावर वन, a नॉट x की पावर नॉट, ये x की नॉट क्या है? आप यहाँ सिर्फ a नॉट लिख सकते हैं, x नॉट वन होता है, x की पावर किसी चीज की पावर जीरो हो तो वन होता है, यहाँ पे आप सिर्फ वन लिख सकते हैं या x जीरो लिख सकते हैं, ये कम होता जा रहा है जैसे जैसे लिखा था। इसको खत्म कर दिया, ये आपके पास सिर्फ a नॉट है। For all x, x के polynomial, x के polynomial है। Where the coefficient an, an minus one ये coefficients हैं, an minus two, up to one a naught, are real numbers, ये भी real numbers हैं, and exponents are non-negative integer। Polynomial की definition आपको पहले भी पढ़ी होगी कि polynomial कहते किसे हैं? ऐसा algebraic expression जिसमें exponent जो है positive integer हो, compulsory है कि जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। पॉजिटिव इंटीजर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि जो एक्सपोनेंट है आप नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर इसका आप पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, फॉर वन पॉलीनोमियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी हो सकता है डोमेन, कुछ भी पुट कर रहा है x की जगह रियल नंबर में से, तो रेंज भी इसकी जो है क्या आएगी? सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का कोई सबसेट आ जाएगा। ये जितने भी आपके सेट हैं, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड, ये सारे सबसेट हैं रियल नंबर के, सबसेट ऑफ रियल नंबर जी। इसके एग्जांपल भी है क्या? पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन। आज के लिए एग्जाम्पल किया और इसमें एक और बात जो स्पेशल खास तौर पर कंसेप्ट है वो समझने वाला ये है बेटा कि ये जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, सबसे मैक्सिमम जो पावर होती है उसका जो कॉफिशियंट होता है उसको लीडिंग कॉफिशियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कॉफिशियंट। और उसकी जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। आप ये कितना डिग्री है? ये फाइव डिग्री है और इसका लीडिंग कॉफिशियंट है थ्री है। लीडिंग कॉफिशियंट क्या है? थ्री। ये कॉफिशियंट था एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। लीडर दूसरी जो क्लासिफिकेशन है अल्जेब्रिक फंक्शन दूसरी टाइप है वो है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? जिसमें लीनियर होती है उस फंक्शन में पॉलीनोमियल की डिग्री वन हो, पॉलीनोमियल की डिग्री वन हो, पॉलीनोमियल फंक्शन हैव डिग्री वन, जिसकी डिग्री वन हो इसका लीनियर फंक्शन, उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। f of x is equal to ax plus b where a भी बिलोंग टू रियल नंबर को, ये a भी है रियल नंबर से कोई, और a नॉट इक्वल टू 0 यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 ना हो, ये कोई कोई हो x के साथ होना चाहिए। अब इस केस में अगर रियल नंबर है रेंज का रियल नंबर है, रेंज भी थर्ड रियल नंबर है, मतलब p का एडिशन फंक्शन बहुत सिंपल है। ये डेफिनेशन और डोमेन और रेंज खास तौर पर वीडियो में पूछ जा सकते हैं और शॉर्टकट्स में भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स जो है उसमें कोई एक्स सेट जो है एक्स सेट है, तो देन द फंक्शन आइडेंटिटी आई एक्स टू एक्स एक्स से एक्स तक अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो आप द फंक्शन फॉर आर द फॉर्म आई इज इक्वल आई टू एक्स आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी उस पे फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन में कोई भी एलिमेंट पुट करें तो वही रिजल्ट उसको दे दे, यानी वो जो आप पुट करें वही रिजल्ट आ जाए। फाइव पुट करें फंक्शन में फाइव रिजल्ट आ जाए, पी पुट करें आगे जवाब पी आ जाए, ठीक है, डी पुट करें आगे जवाब डी आ जाए, एन पुट करें जवाब आगे एन आ जाए, उस एक्स सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाए वो फंक्शन में पुट करें जवाब वही आ जाएगा, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। फॉर ऑल एक्स नंबर एक्स कैपिटल एक्स है ये इस
के लिए बेटा हमारे पास लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी एक्स और बी जो है कोई दो सेट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हैं। एक्स और वाई जो है दो हमारे पास सेट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं। तो अ फंक्शन सी यानी कास्ट एंड सी, सी फॉर कास्ट एंड, कास्ट एंड से इसको डिवाइड किया है सी एक्स टू वाई का फंक्शन है, कास्ट फंक्शन डिफाइन बाई कैसे डिफाइन करता है कि उस फंक्शन में ए सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए कुछ भी पुट करना है डोमेन में से, ये डोमेन का सेट है या रेंज का सेट है क्या आपको पता है, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन किया तो बताया था आपको ये कैलकुलेशन है फंक्शन को गायर करने की, आप डोमेन के सेट में से कुछ भी पुट कर दें आप कहाँ से फंक्शन है जवाब वही सेम आता रहेगा, एक ही जो एक है यानी आप टू पुट करें जवाब ए, थ्री पुट करें जवाब ए, फाइव पुट करें जवाब ए, एन पुट करें जवाब ए, पी पुट करें जवाब ए, फंक्शन में कुछ भी पुट कर दें एक्स की जगह डोमेन में से डोमेन में से तो जवाब इस पर रेंज के सेट में सिर्फ ए आता है वन वन ओनली, वो ये कांस्टेंट फिक्स्ड है, ये ए का फिक्स्ड है चेंज नहीं होना इसमें, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एंड ए बिलोंग टू वाई, ठीक है। आर एंड फिक्स्ड, ये जो ए है ये फिक्स्ड है, इस कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, इस कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज पुट करें आप जवाब ए आता है सेम सेम जवाब आता रहेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी और कांस्टेंट में फर्क क्या है, आइडेंटिटी में ये है कि जो चीज पुट करेंगे वही आंसर आएगा, कांस्टेंट में है जो चीज वही पुट करें जवाब वो एक आता रहेगा वन यानी ए, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पर सेम कांस्टेंट फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन बाय इसमें डिफाइन करते हैं, इसमें आप फंक्शन में कोई भी एक्स की जगह नंबर पुट करें जवाब टू आएगा, हमेशा टू आता रहेगा, हमेशा टू आता रहेगा, ठीक है जी। अब ये एक्स नाम को रियल नंबर है कांस्टेंट फंक्शन, तो डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है रियल नंबर होता है, रेंज ऑफ कांस्टेंट जो है वो ए सेट है, कोई सिंगल टर्म सेट है, उस रेंज के सेट में से कोई एक एलिमेंट बार बार आता रहेगा, कोई भी चीज डोमेन के सेट में से पुट करेंगे आप तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो कोई एक एलिमेंट होगा उस रेंज के सेट में से वही आता रहेगा सेम, ठीक है। इसको सिंगल टर्म है। और पांचवे नंबर पर हमारे पास पांचवी जो है अल्जेब्रिक फंक्शन की पांचवी जो टाइप है वो है रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं बेटा, रैशनल फंक्शन जो है फंक्शन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो उसको पॉलीनोमियल कहेंगे, वरना बाकी किसी को भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलीनोमियल नहीं कह सकते। अब पी एक्स और क्यू एक्स के बाद ये है कि ऊपर भी कोई पॉलीनोमियल हो और नीचे भी कोई अलग पॉलीनोमियल हो, ठीक है। वे आर आगे देखो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलीनोमियल फंक्शंस एंड क्यू एक्स एंड नॉट इक्वल जीरो, ये नीचे का अगर देखें जीरो ना हो जीरो के अलावा कोई भी चीज आ जाए, ठीक है। इस कॉल रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन के डोमेन होते हैं वो होते सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे तमाम नंबर जिसमें क्यू एक्स जीरो ना हो और कोई भी एक्स वही वैल्यूज आ जाए जो सेट ऑफ रियल नंबर्स में है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के वाले से अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन किया, उसकी टोटल पांच टाइप्स थी, पांच जो है उसकी हम मजीद डिटेल से उसको बताया, उसकी डोमेन और रेंज बताई, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।